मुहर्रम के अयाम में हर तरफ गम में हुसैन की सफ़े मातम बिछ चुकी है, चाहे वो शिया है वो सुन्नी है, हर एक को पता है कि डेरा इस्माइल खान के हालात इस वक्त कैसे चल रहे हैं। हुकूमत की तरफ से कहे गए इंतजाम को देखें तो डबल सवारी पर पाबंदी की काफ़ी सख्ती कर दी गई है, जिससे लोग थोड़े से खफा भी हैं। सबसे पहले तो मैं उनको कहूँगा कि चंद दिन अगर किसी के बच्चे यतीम होने से बच सकते हैं, किसी बहनों के भाई बच सकते हैं, बेटियों के सुहाग बच सकते हैं, तो इस वाले से तामन करना चाहिए। दूसरा मुहर्रम है, इसमें इंतज़ामिया अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करती है। मैं अपनी कम्युनिटी को, अपनी शिया कौम को ये पैगाम दूंगा कि इसमें अमन का दामन कभी भी ना छोड़ें, हमेशा अमन से रहें, अमन के हवाले से रहें, अमन को हमेशा अपना सेवा बनाएं। मुहर्रम के दिनों में खसूसी तौर पर बाहर से आए हुए लोगों, जो कि कुछ सहाफ़ी हजरात के रूप में, कोई अमन कमेटी के रूप में बेताश आ जाते हैं, हमारी तरफ से किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। हुसैन सबका है, आए मातम करें, अपने अंदाज में पुरसा दें, लेकिन इस तरह जुगले के जुगले बना के जुलूसों में गुजरना, जुलूसों में आना, जुलूसों में घूमना एक मेला नहीं है। ये प्रोग्राम मैं इस वाले से कह रहा हूँ, मेरी बात किसी को बुरी लग रही हो तो उससे भी मैं माजरत खा हूँ कि सफ़े अब मातम बिछी होती है, अदादारी हो रही होती है, और वहाँ पे 20 बंदों का जुगला जो है वो आ रहा होता है, 10 बुजुगलों का बंदा जा रहा होता है, तो एहतराम मुहर्रम उन सब पे भी है, वो ज़रूर आएँ। हम उनके लिए नियाज़ों पानी और सबीलों का इंतज़ाम करते हैं, हमारे भाई हैं, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है उनसे, लेकिन अपने रवैयों के अंदर वो तब्दीली ज़रूर रखें।